मेहता का उल्टा चश्मा। अरे माधवी गेली कुठे? किचन मध्ये असेल। कमाल है, माधवी किचन में भी नहीं है, फोन भी इधर ही बज रहा है। कमाल है, फोन यहाँ रखा, कैसी रिंगटोन रखी है माधवी ने, बिजली कुटे आता ये। माधवी यहाँ भी नहीं है, सोनू भी नहीं है। अरे क्या चल रहा है, क्या सोनू ने रिंगटोन में भजन रखा है? वाह वाह सोनू वाह, ये नए साल में दोनों के स्वभाव में अदला बदली तो नहीं हो गई? अरे लेकिन माँ बेटी दोनों गई कहाँ? कमाल है। ए घेलो, परेशान मत कर, लगता है सोड़ी आ गया। जब दरवाजा खुला है तो बेल क्यों बजा रहा है? वही रुक, और जो पनीर लेकर आए ना उसको टेबल पे रख और पालक लेने जा। रोशन भाभी मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े। अरे भिड़े भाई आप, आई एम सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि रोशन है। नहीं नहीं कोई बात नहीं रोशन भाभी, अभी डोरबेल की आवाज से कैसे पता चलेगा ना कि कौन आया है। हाँ ते तो छे। अच्छा माधवी और सोनू यहाँ पे आई है? नहीं घर पे नहीं। नहीं कोमल भाभी के घर पे गए होंगे, पर मैं तो नीचे कंपाउंड में था, अभी अगर वो जाते तो मुझे दिखते ना। तो मैंने आखा घेर में सरकिरिटे जोयू। हाँ हाँ पूरा घर छान मारा, दोनों कहीं भी नहीं है। तो फोन करके पता करो ना बाबा, कॉमन सेंस। हाँ वो मैंने यूज किया, मैंने फोन किया दोनों को और मैंने ही अटेंड किए फोन। है केवी रिटे फोन घर में ही थे ना। कॉमन सेंस। पता नहीं दोनों कहाँ चली गई, फिर भी मैं जाके देखता हूँ हाथी भाई के घर पे, शायद वहाँ चली गई और मेरा ध्यान नहीं हो। भेड़े भाई एक काम करो नी बाबा, रोशन कंपाउंड में मिलेगा ना तो उसको बोलना घेर पे नहीं आए, यू टर्न मार के पालक लेने जाए, आज मेरे गोगी टिकरा को पालक पनीर खाना है। अच्छा ठीक है कह दूं। और हाँ मैं पालक पनीर जास्ती बनाऊंगी तो माधवी भाभी को बोलना मैं घेर पे लेकर आऊंगी। वो मिले तो मैं बताऊँ ना उसे। अब वो किसी के घेर पे ही होंगी, न्यू ईयर विश करने गई होंगी। हाँ हो सकता है। भिड़े भाई ऊपर टड्डन खेली चो। बोलिए। आज न्यू ईयर छे और मैं आपको विश करना ही भूल गई। दरवाजा खुला क्या रखा, बिल्ली आ गई अंदर। अंदर दो दो बिल्ली लगता है, झगड़ा करिए भगाओ कैसे अभी। नहीं मुझ पे हमला किया तो ए हट हट बाहर निकलो। कब से तुम दोनों बिल्ली का आवाज निकाल रही थी? मेरी बिल्ली मुझी को मैं आओ। एक मिनट, तुम दोनों को ढूंढने के लिए मैं पहले बेडरूम में गया, फिर किचन में गया, फिर सोनू रूम में गया, लेकिन तुम लोग दिखे क्यों नहीं मुझे? म्याओ 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 म्याओ। पास आता माधवी। मतलब बाथरूम में छुप गए थे वो। क्यों? अरे बाबा आपको अभी तक नहीं समझ आया, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे। पर ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? अभी थोड़ी देर पहले सोड़ी ने कुत्ते की आवाज निकाल कर मेरे साथ मजाक किया, तुम दोनों यहाँ पे बिल्लियों की आवाज निकाल कर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आज का आए क्या है, आज का मजाक डे है? नहीं बाबा आज हम हैप्पी डे मना रहे हैं, आज साल का पहला दिन है तो मजाक मस्ती और खुशी के साथ बीतना चाहिए ना। अरे लेकिन तुम्हारी मजाक और खुशी के चक्कर में मुझे यहाँ पे टेंशन हो गया उसका क्या? एक क्षण के लिए आपको टेंशन हुआ ना, मजाक में उतना चलता है। आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा, देखना। याद रहेगा? तुम्हें पता है तुम दोनों को ढूंढने के लिए मैं सोड़ी के घर पे भी गया। हमें पता था, हमें ढूंढने के लिए आप सोड़ी भाई के घर जाओगे, इसलिए हम लोगों ने पहले ही रोशन भाभी को पता दिया था कि आप वहाँ ढूंढने के लिए आओगे तो उनको बोलना मत, और हम लोग घर पे ही है तो आप भी टेंशन मत लेना। आप अभी ये भी समझ गए होंगे कि हमारे मोबाइल हम लोगों ने हमारे साथ क्यों नहीं रखे थे और रिंगटोन भी हमने क्यों बदली थी। हाँ अरे देवा मजाक के लिए कितनी सारी प्लानिंग। सोनू। हाँ
आता क्या? आपको इतना टेंशन दिया ना, इसलिए आपको अभी लड्डू खिलाएंगे, मतलब हिसाब बराबर असम लड्डू। बेसन के लड्डू तैयार है। अरे वाह, साल के पहले दिन की शुरुआत मेरे बाबा मुंह मीठा करके करेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल, खिलाओ खिलाओ। क्या बात है, साल के पहले दिन की शुरुआत बेटी के हाथों से मुंह मीठा हो, इससे मीठी शुरुआत नए साल की और क्या हो सकती है। सोनू क्या लड्डू बनाया है बेटा, खाओ 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 खाओ। ओ बाबा और बाबा की लाडली बेटी, ये लड्डू बनाने की मेहनत मैंने की है मंटल, और लड्डू के मजे और तारीफ आप दोनों ही ले रहे हो, मुझे भूल गए। ओ सॉरी सॉरी माधवी, तुम भी तो हो ना यहाँ पे। तो मामा चलो इनका भी मुंह मीठा करके मेहरबानी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, काय चल रहे है, तुम यहाँ आओ मेहरबानी करते हैं। ठीक है, आज से मेरी भी सब मेहरबानी बंद, संभाला दो कहीं घर। अरे ए कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले माधवी तुमने मजाक किया, बिल्ली बनी या रिंगटोन बदली मेरे साथ मजाक किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला, पर मैंने जरा सा क्या मजाक कर लिया, मैं तो बुरा लग गया। नॉट फेयर आई माधवी, तुम्हारी मेहरबानी पे ये घर चलता है। हाँ तुम्हारे बिना तो हम अधूरे हैं। माधवी सच कहूँ तो 2021 हो या 2051 हम तुम्हें एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते। सुनो बड़ा, लाडू आंट चलो हम आई का मुंह मीठा करते हैं। ये तो आई तुम पहले से इतनी मीठी हो, अभी दो दो लड्डू खाकर पूरा साल मीठी चाशनी बनकर रहोगी। अरे मेरी मीठी चाशनी। बाबा आप शर्मा रहे हो ना, डोंट वरी आपकी जगह मैं आई को प्यार दे देती हूँ। अरे माजी मधु, माजी गोड गोड मधु। ये ऐसा कहता है। बस बस हम लोग ऐसे ही हंसते रहे, खुश रहे और ये नया साल ऐसे ही बीते। बस बस हम सब सावधानी रखेंगे ना तो ये 2021 साल भी अच्छे से बीतेगा। हाँ लेकिन जब तक कोरोना पूरी तरह से जाता नहीं है हमें सावधानी बरतनी है। हाँ मुझे पूरी उम्मीद है वैक्सीन आ गई है ना तो अभी कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारा जीवन एकदम पहले जैसा हो जाएगा। हाँ हम कॉलेज जाएंगे, घूमेंगे, मॉल जाएंगे, आपकी ट्यूशन घर पे चलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे और हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी बढ़ेगा। नहीं भगवान करे ऐसा ही हो और सब अच्छा ही हो जाएगा। क्या है कोरोना आया परेशान किया, कोरोना चला भी जाएगा, लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी में जो दूसरा परमानेंट टेंशन है ना उसकी मुझे बहुत फिक्र हो रही है। दूसरी कौन सी परमानेंट टेंशन? बताता हूँ, दूसरे परमानेंट टेंशन का नाम है हंगामा। गोकुल धाम सोसाइटी में हंगामा होते ही रहता है। तो अपने पास वैक्सीन है ना, कोई भी मुसीबत हो, हंगामा हो, टेंशन हो, उसके इलाज के लिए हमारे पास हंसी, हिम्मत और हौसले का वैक्सीन नहीं है का? और इसी वैक्सीन से हम सारी मुसीबतें टेंशन का इलाज कर देंगे। और आज नए साल का पहला दिन है तो अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे सोनू आजकल ये 1 जनवरी को नया साल मनाने का ट्रेंड शुरू हुआ है। अरे हमारे जमाने में नया साल मनाते थे हम लोग, लेकिन 1 जनवरी को नहीं, गुड़ी पाड़वा को। अरे हमारे जमाने की गुड़ी पाड़वा की बात ही कुछ और है। घर घर में ऐसे गुड़ी खड़ी की जाती थी, उसकी पूजा की जाती थी, घर घर में लड्डू बनते थे, पूरणपोड़ी बनती थी, घर के बाहर रंगोली सजती थी, एक दूसरे के घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता था। गुड़ी पड़वा जाने के बाद भी ना एक हफ्ते तक मन में कैसे उमंग उछलती रहती थी, रोम रोम में से गुड़ी पड़वा बसता था। इन आज आज सिर्फ एक मैसेज कर दिया, हो गया नया साल विश, और मैसेज भी कैसा, HNY मतलब क्या, हैप्पी न्यू ईयर, और सामने वाला भी ऐसे नमस्कार का इमोजी भेज देता है सेम टू यू बोल के, तो क्या अर्थ है कहला। ठीक है वो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, किसी का भी नया साल हो हमें उमंग और उत्साह से उसका स्वागत करना चाहिए। True आई। और बाबा वैसे भी हमारी संस्कृति में कहते हैं ना पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। शाबाश। अरे इसीलिए तो हम सभी की संस्कृति का नए साल का सम्मान करते हैं। हमारे जमाने में आज का कोटा खत्म हो गया, पुराने जमाने में जाने की सैर दिन में एक ही बार अलाउड है आपको। अरे लेकिन इस जमाने में आते ही टेंशन आ जाता है,
साल का पहला दिन है, सोच रहा हूँ कोई हंगामा ना हो। डोंट वरी बाबा, आज कोई हंगामा नहीं होगा। हाँ सेक्रेटरी साहब, देखना आज का दिन भी शांति से जाएगा और पूरा साल भी शांति से गुजरेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन गोकुल धाम के इतिहास पे नजर डाले ना तो नॉर्मल दिन हो, खास दिन हो या कोई त्योहार का दिन हो, हंगामा हुआ ही हुआ है। आहो, कोई हंगामा नहीं होगा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस नए साल में हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए, और हाँ पोपट भाऊजी के जीवन में एक दुल्हन लेकर आए। हाँ ते महत्वाचं है। वैसे माधवी, साल का पहला दिन है तो तुमने लड्डू तो बनाए हैं मीठे में, अभी जरा खाने में कुछ ऐसे झंझणित हो जाए। अरे मंजे का है, बनो ले। अरे वाह वाह, वेरी गुड। मैं जरा तब तक ना बुकशेल्फ साफ करता हूँ। ओहो चलो चलो। नए साल के पहले दिन मजाक के मूड में है सब। तोड़ी का है, माधवी का है, सोनू का है। चांगला है, चांगला है। थैंक यू देवा, थैंक यू वेरी मच। इस नए साल की शुरुआत है ना मस्त बेकी, हंसी मजाक, मीठे लड्डू और हमारे जमाने की बातों से हुई। बस देवा देखना के मेरे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई मुसीबत ना आए। हमारी खुशियाँ, हमारा भाईचारा, हमारी एकता ऐसी ही बसी रहे। और हाँ, हम सबके प्यारे पोपटलाल का घर भी इस साल बस जाए तो क्या है, हम सबका बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। देवा इस नए साल 2021 में पोपटलाल के घर में उसकी दुल्हन आ जाए। ऐसी ये कौन है, पोपटलाल की बालकनी में लड़की? पोपटलाल तो केरला गया हुआ है ना। ये तो पूरी दुल्हन के लिबास में, गले में मंगलसूत्र, बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियां, मेहंदी। अरे बाप रे, मांग टीका भी लगाया हुआ है। ए काय चाललंय काय, माधवी को बोलता हूँ। माधवी, माधवी, एक कुत्ते। माधवी, 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 काय झालं? बाबा क्या हो गया, आप इतने हैरान क्यों? हाँ अरे पोपटलाल के बालकनी में लकड़ी है। हाँ पोपटलाल के बालकनी में लकड़ी है तो रखी होगी। काय बोलते है रखी होगी, दुल्हन के लिबास में। काय बोलते थे, लकड़ी दुल्हन के लिबास में। क्या लकड़ी की होगी दुल्हन के लिबास में? आपने तो अभी कहा कि पोपट भौजी की बालकनी में लकड़ी है। मैंने लकड़ी बोला? हाँ बाबा। ओह सॉरी सॉरी, वो गए गए में बोला होगा। पोपटलाल की बालकनी में लड़की है दुल्हन के लिबास में। ऐसे कुछ शक्य है, काय तरीस का है? हाँ बाबा, पोपट अंकल तो यहाँ है भी नहीं, वो तो केरला में है। हाँ अरे वही तो, अगर पोपटलाल केरला में है तो उसकी बालकनी में लड़की आई कहाँ से, वो भी दुल्हन के लिबास में। अत्ता माजी ट्यूब पेटली, पोपटलाल केरला से शादी करके आया है, ये उसी की दुल्हन है। बोलता है बाबा, पोपट अंकल मैरिज ब्यूरो भी जाते हैं तो भी सबको बता कर जाते, तो ऐसे बिना बताए शादी कैसे कर लेंगे? मौका है। अरे ऐसा ही हुआ है, मैंने देखा ना लड़की को साउथ इंडियन गेटअप में। पोपटलाल केरला गया था काम से, वहाँ पे उसने चुपचाप शादी कर ली और चुपचाप यहाँ पे आ गया है वो, और वो लड़की उसी की दुल्हन है। वरना बिना शादी के पोपटलाल के घर में कोई दुल्हन कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, गोकुलधाम वालों को बिना बताए पोपट भौजी कैसे शादी कर सकते हैं? हाँ। अरे तुम लोग मेरे साथ चलो बालकनी में, वो अभी बालकनी में ही खड़ी है, जल्दी चलो वरना अंदर चली जाएगी। या नौकर। अरे चला ना, काय झालं? समझ गई मैं, समझ गई। क्या समझ गई? हमने मजाक किया था ना इनके साथ, अभी ये हमारे साथ मजाक कर रहे। ओ बाबा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में देखा है, बालकनी में लड़की खड़ी है। हाँ तो होगी बालकनी में, पोपट भौजी ने चाबी दी होगी। अरे क्या चाबी दी होगी माधवी, उसके बालकनी में दुल्हन खड़ी है, पक्का पोपटलाल ने शादी की है। तो ठीक है ना, बस बड़ा बस। अरे वो कब से शादी शादी वैसे भी कर ही रहे थे, तो हो गई शादी, तो टेंशन क्यों लेने का, ये तो खुशी की बात है ना काका। कमल है, तुम लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे हो।
अरे मैं सच कह रहा हूँ, उसे शादी कर ली है, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाबा आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई मजाक नहीं कर रहे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कस समझाओ तुम्हारा, अरे चल के देखो वो बालकनी में ही खड़ी है। ओ मेरे क्यूट बाबा, आपको मजाक करनी थी तो 2-3 घंटे बात करते, अभी ऐसे तुरंत मजाक करोगे तो थोड़ी ना हम फंसेंगे। हाय वो क्या है, गलत नहीं गए। और पोपट अंकल टप्पू सिन्हा को बिना बताए शादी करें, ये इम्पॉसिबल है, और महिला मंडल को भी करें। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे। चलो चलो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो चलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देखो वहाँ पे। मंचलो तो ना, मैं मजाक कर रहे, जबरदस्ती कोई मजाक करता है क्या? अरे कौन मजाक कर रहा था, मैंने घर में ही बोला था कि जल्दी बालकनी में आओ वरना वो अंदर चली जाएगी, लगता है घर के अंदर चली गई। कितनी गोड सोनू, तेरे बाबा की ना ये क्वालिटी मुझे इतनी पसंद है ना, कभी गिव अप नहीं करते हैं। देख अभी भी प्रयास चालू है। बाबा सॉरी टू से, पर आपको ऐसा फ्लॉप मजाक नहीं करना चाहिए, आप मेरे हीरो हो और आप ऐसे फ्लॉप होते हो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अरे मैं फ्लॉप नहीं हुआ हूँ सोनू। ये पोपट भौजी के मजाक में खुद का ही पोपट हो गया। ए, रुको रुको रुको, देखो देखो ठीक से देखो, खिड़की खुली है ना, देखो। हाँ खिड़की तो खुली है। हाँ खिड़की खुली है, इसका मतलब क्या है, घर में कोई है, और पोपट लाल के घर में उसके अलावा दुल्हन के लिबास में और कौन हो सकता है, उसकी पत्नी ना। हाँ ये वो देखो, पापा सच कह रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा था, सच में है ना वहां पे लड़की। सुनो बेटा तुम्हारे बाबा हीरो ही है, वो भी सुपर हिट हीरो, फ्लॉप नहीं है। खरे खरे, ये मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, हाथों में मेहंदी, गले में मंगलसूत्र, और ये दुल्हन की तरह नई साड़ी। आहो नक्की पोपट भौजी ने शादी कर ली है। तेज तो सांगो तो कभी पासून। आई पोपट अंकल की वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। भैया खरोच गो सुंदर है, गो सुंदर है। पोपट भौजी और आपका जो भी नाम है, आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और आप दोनों का संसार खुशियों से भरा रहे। पोपट भौजी अभिनंदन अभिनंदन। अरे नहीं नहीं दुल्हन है ना, शर्माई होगी। कोई शर्माई नहीं है, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं उसने। माधवी फोटोग्राफर लगता है ना। हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। भाई साहब जरा एक मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। हाँ जी जी, मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये सीविंग में किसके घर पे आए थे? वो मैं सेकंड फ्लोर पोपटलाल जी के घर गया था। अच्छा क्या क्या काम था जी? वो न्यू कपल का फोटोशूट था, बहुत प्यारी जोड़ी और फोटोज भी बहुत अच्छे आए। आपके जान पहचान में अगर शादी हो तो फोटोग्राफी के लिए मुझे जरूर बोल। बताऊंगा बताऊंगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए। नहीं नहीं वो मैं पोपटलाल से ले लूंगा। ठीक है जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। कसला हैप्पी न्यू ईयर, शॉकिंग न्यू ईयर है। शॉकिंग कशाला, नक्की शादी हुई है ना। पोपट भौजी अभिनंदन अभिनंदन। चलो सर। क्या बोल रहे थे तुम लोग? इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, टप्पू सेना को महिला मंडल को बिना बताए पोपटलाल शादी कर ही नहीं सकता। अरे बताना तो दूर, शादी करे उसकी भनक तक नहीं लगने दी उसने। ये बाकी खरे, पोपट भौजी ने शादी करने से पहले हमें बताना चाहिए था नहीं का? किसे फोन कर रहे हैं आप?
अब्दुल को पोपटलाल अपनी पत्नी को लेकर कब आया होगा सोसाइटी में, उसे तो पता ही होगा ना। आहो, लेकिन पोपट भाऊ जी आधी रात को आए होंगे तो अब्दुल भाई को कैसे पता चला होगा। हाँ, और अब्दुल भाई को पता होता तो अभी तक तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल गया होता। बरोबर है, पर कमाल है नहीं पोपटलाल, पण इतने साल से मेरी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ कर रहा था, और अभी देखो चुपचाप शादी कर ली। मुझे ऐसा लगता है ना उनकी कुछ मजबूरी रही होगी इसलिए उन्होंने शादी कर ली और हमें बताया नहीं। बाबा आप पोपट अंकल को फोन कीजिए ना। हाँ, आप पोपट भौजी को फोन करके पूछिए कि शादी कर ली वो ठीक है लेकिन बताया क्यों नहीं। नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। क्यों? हो सकता है वो उसकी शादी के बाद किसी को बताना ही नहीं चाहता हो, उसके कुछ और प्लान हो, और वैसे भी हम क्यों फोन करें उसे। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, उसे सामने से फोन करना चाहिए ना, सामने से बताना चाहिए हमें। और आप कहेंगे मैं अपने आप को पीट क्यों रहा हूँ, पीट नहीं रहा हूँ भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सपना तो नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है, पोपटलाल की शादी हो गई है भाई। 2020 जिसने हम सबके पीस को पीस के रख दिया वो तो पोपटलाल के लिए जैकपॉट साबित हुआ भाई। पहले नौकरी में प्रमोशन हुआ, फिर केरल गया, उसके बाद शादी के लिए लड़की मिल गई, भाई कमाल है। 2020 में तो पोपटलाल के लिए बड़ा रोमांच रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कौन है ये लड़की, कहां मिली, कैसे हुई शादी, कहां हुई ये शादी और कब ले आया यहां पे गोकुलधाम में, हमें पता ही नहीं चला और लेके आ गया। भाई सवाल ही सवाल दिमाग में इस वक्त 2020 में। इस तरह का सरप्राइज आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, और सरप्राइज मिला। लेकिन इस वक्त आपके दिमाग में इस सवालों का 2020 चल रहा है और हर सवाल का जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप ये सोचिए कि भाई पोपटलाल की शादी की जो शहनाई बजी है उसकी वजह से आपके घरों में हंसी का बैंड किस तरह से बजे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अंकल सोड़े अंकल क्या हुआ? अरे बाजे कुछ पहले इसको पकड़ो। क्या हो गया? तेन छिटाना नहीं पापा। लेकिन सोड़े अंकल पोपट अंकल ने किया क्या? अरे तुम लोग सवाल मत पूछो, सबसे पहले इसे मेरे घर पे लेके चलो। अरे बीड़ा अंकल अभी एक माला कौन चढ़ेगा? अरे भीड़ अंकल मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग ऐसे खींच के सोड़े अंकल को सीढ़ियों पे लेके जाएंगे, किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा मेरे घर पे चलते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पे भी है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।